एवरीवन, तो आ चुकी हूँ जैसे कि आप देख ही सकते हैं बैक टू माय किचन। और बस सारे डब्बों को खोल खोल कर देख रही हूँ कि कहाँ पर कुछ ख़राब या सड़ तो नहीं रहा है। एंड देन मुझे ये मेरा काढ़े का सामान मिला। मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपी ट्राई की है काढ़े की, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, पर वो अलग बात है कि मेरी फैमिली को इस तरह की जो अजीब सी स्वाद वाली और कड़वे से स्वाद वाली काढ़े की रेसिपी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि परिवार वालों को ज़बरदस्ती वो जो इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले ड्रिंक्स है वो दो, बट एट द सेम टाइम मुझे मेरे परिवार वालों का भी सेहत का ध्यान तो रखना ही है ना। सो गाइज, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट आई रिप्लेस दोज कड़वे वाले ड्रिंक्स विथ प्रोटीनेक्स टेस्टी चॉकलेट, जो हम सबकी हेल्थ वाइज टेस्ट वाइज इम्यूनिटी बिल्ड करने के प्रस्पेक्टिव से उम्दा है। और यही नहीं, इसमें 10 इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स विद 34% हायर इम्यूनो बूस्टर्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। और जो नया प्रोटीनेक्स टेस्टी चॉकलेट आया है उसमें 0 एडेड शुगर है, जो अगेन हेल्थ वाइज काफ़ी फायदेमंद है और इसका टेस्ट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट कई बार ना हमें हमारी डाइट से सही मात्रा में प्रोटीन ना नहीं मिल पाता, तो उसको भी पूरा करने के लिए प्रोटीनेक्स हेल्प करेगा। प्रोटीनेक्स मेरे एक जीवन साथी जैसा बन गया है, जो मेरी और मेरी फैमिली के सेहत का ख्याल रखता है। इसमें बिल्कुल भी ट्रांसफैट नहीं है। कंटेन हाई प्रोटीन प्लस 10 इम्यूनो न्यूट्रिएंट, जो कि है प्रोटीन, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता करते हैं। फिर इसमें विटामिन B1 एंड B2, जो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसमें विटामिन A, C, D, E, B12 एंड फोलेट है, जो अगेन हमें तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। और यही नहीं, इसमें आयरन भी है, जो मेंटेन करता है इम्यून सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में। आप भी प्रोटीनेक्स के वेबसाइट पर जाके प्रोटीनेक्स इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर का यूज़ करके आप दिन भर में क्या क्या कंज्यूम करते हैं ये सब डालकर देख सकते हैं आपकी बॉडी को क्या डाइटरी ज़रूरत है, ये आपको पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, आप फ्री में न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन एंड 1 पर्सनलाइज फ्री 30-day प्लान जो होता है डाइट का, वो भी पा सकते हैं। वहाँ पर ज़रूर जाकर ये सब ट्राई करें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्रोटीनेक्स टेस्टी चॉकलेट विद 0 एडेड शुगर का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप उस लिंक से लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके परचेस पर। वंस अगेन, आज मैं आपको ओट्स की एक टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा, और उसी के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी वेजीज डाल दी है। जो भी वेजीज आपको डालनी है वो डालिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा गाजर डाल दिया है, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना तो खाने में भी आसानी होती है, अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मटर भी डाल दिया है, और हल्का सा मैं इन्हें सॉटे कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पहले ऑलमोस्ट मतलब 70-80% कुक हो जाए। इसमें ओट्स डालने से पहले ये कुक हो जाए। इसमें मैंने टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं, आप यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैंने प्याज स्किप कर दिया है। और बिना प्याज के भी ये बहुत बढ़िया बनता है। और मैंने यहाँ पर ओट्स भी डाल दिया है। ओट्स को लगभग मैं 5 से 6 मिनट अच्छे से सॉटे करूँगी। ओट्स जितना अच्छे से मैं इसमें सॉटे करती हूँ ना, बिलीव मी, इसका जो स्वाद है ना उतना ही बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने धनिया के 2 क्यूब्स डाल दिए। आप धनिया पत्ती सीधे डाल सकते हैं, मैं धनिया पत्ती की इस तरह से क्यूब्स बना कर रखती हूँ, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ना धनिया का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। नमक स्वादानुसार डाल दिया है, और फिर से इसे अच्छे से मिलाते ही मैंने इसमें ना चाट मसाला डाला है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं डालना है, चाट मसाले से ना इसका जो स्वाद है बहुत बढ़िया हो जाता है। और एक चीज़, अगर आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और अच्छा आता है। और भरपूर सारा पानी, पानी इसमें बहुत लगता है, जितना पानी हो उतना ही ये स्वाद बनता है। और यहाँ पर पानी डालने के बाद लगभग हमें 5 से 6 मिनट और पकाना होता है, और जैसे ही ये पक जाए तो बस सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आप चाहे तो ऊपर से भी इसमें डाल सकते हैं नींबू का रस, इससे भी फ्लेवर इसका और अच्छा हो जाता है।
सो अब मेरे पास एक स्पेशल ड्यूटी है बाल काटने वाली. अनिका अपने बाल सेट करके बैठी है. जिस दिन से आई हूँ एक ही रट लगा रखी है, मम्मी मेरे आगे के बाल काट दो बाल काट दो. तो आज फ्राइडे है, जनरली हम लोग वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे को ही ये सारी चीज़ें करते हैं. वो एक दिमाग में बैठा है तो अब मैं इसके बाल काटने वाली हूँ. वैसे तुम कुछ बोल रही थी मेरे ओट्स के बारे में. मैंने बोला था कि कल भी मुझे ओट्स चाहिए. तो अनिका को मसाला ओट्स बनाती हूँ जब भी मैं, बहुत अच्छे लगते हैं. मैं ही थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ बनाने में क्योंकि उसमें थोड़ी सी चॉपिंग वगैरह करनी पड़ जाती है. वैसे चॉपिंग तो हर सब्जी हर नाश्ते में करनी पड़ती है, पर नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी नहीं ज़्यादा और ओट्स बना दिया करूँगी क्योंकि आसानी से बच्चे खा लेना तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती. तो काफ़ी सब्जी राज ने मंगवाई है पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत सब्जियों को देखकर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम जैसे ये गोभी अच्छी लग रही है. और हाँ, कल से नवरात्रि चालू हो रही है तो उपवास के लिए ये कल खा पाएंगे हम लोग लग रहा है. ऐसा ना हो जाए कि मुझे चिप्स बनाना, मुझे लग रहा है मुझे चिप्स बना कर देना पड़ेगा उपवास के लिए क्योंकि ये इतना कच्चा है. आता है आपको केले का चिप्स? मुझे नहीं आता, मैंने आज तक बनाया नहीं है. हम लोग हैदराबाद में पता है आपको वो लोग ऐसे तलते थे, पटापट 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 ऐसे करके डालते थे बस. तो दोपहर के खाने के लिए आज खिचड़ी बनाई है, प्लेन खिचड़ी. रीज़न आज मैंने काफ़ी सारी सफाई की है किचन की तो थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही थी. हालांकि मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि काफ़ी मैंने चीज़ें साफ़ की है, जैसे ये जो ऊपर का है इन सबको साफ़ किया है. और मैं दिखाती हूँ, और ये देखिए सारे अंदर भी मैंने एक एक चीज़ों को निकाल कर सारे ड्रॉवर्स को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है. ये देखिए, और जो बर्तन काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किए थे उनकी चमक चली गई थी तो उन्हें भी घस के सुखा कर अच्छे से रख दिया है. उसी के बाद ये जो सारा सेक्शन है इसे भी नाइसली क्लीन किया मैंने. और अब पता है क्या रह गया है मेरी तरफ से, ये वाला जो पोर्शन है ये संभाव रह गया है. इसके ऊपर हल्का सा चिपचिपापन है क्योंकि किचन में यार तड़का तुड़का लगता है तो ऑब्वियस सी बात है ना. तो अकेले अकेले राज कुछ खाते हुए बिना कुछ शेयर करते हुए किशमिश खा रहे थे. ऐसा भी कोई खजाना नहीं खा रहे हो क्या गिरा? मुझे किशमिश बहुत नहीं पसंद आता है. लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा. मुझे पता है मनु का अच्छा लगता है. मनक्का मनक्का मुनुक्का एक्चुअली मराठी में मुनुक्का ने क्या बोलते हैं मनुका. बहुत कंफ्यूजन है मेरे साथ. आपकी कैसी तैयारी चल रही है त्योहारों की, क्विकली बताइए. और शॉपिंग आपने स्टार्ट की कि नहीं, क्योंकि त्योहारों का असली मज़ा तो शॉपिंग के साथ ही आता है. हालांकि इस साल का थोड़ा माहौल अलग है पर कोई नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग तो चली रही है तो वो तो हो ही जाएगी. और राज मुझे आज सुबह ही बहुत सारी लिस्ट लिखवा रहे थे, ये खरीदना है ऐसा लेते हैं. एंड हमारे घर में राज बहुत बड़े शॉपोहोलिक है, मेरे से भी बड़े. मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. क्या बोलते हो? तो तुम आ जाते मेरा कम हो जाए. मैं आ जाती कि मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि यार
लिमिट थोड़ा सा कंट्रोल करो, मतलब मैं नहीं थी यहाँ पर कुछ दिन, तो इन्होंने कितना पैसे से क्या क्या नहीं खरीद दिया है, मतलब इनको लग गया कि अरे बाबा रे मेरी बीवी है नहीं, क्या खरीद लूँ और क्या नहीं। हाँ मतलब एक नहीं चार पांच कैबिनेट खरीदे, दो आपने देख लिए हैं और तीन आने वाले हैं, और एक मेरा लैपटॉप टेबल और एक स्टोरेज वाला बॉक्स। मतलब आप खुद सोचिए कि कौन ज़्यादा खर्चा करता है। मैं घर की चीजें खरीदता हूँ। हाँ ये बात तो है, घर की चीजें राज बहुत खरीदते हैं, खुद के लिए भी खरीदते हैं। बहुत ऐसे ही हमारा, पर ठीक है सबका अपना अपना पसंद होता है, तो ठीक है कोई नहीं। चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। आप भी बताइएगा कि आपके घर में कौन ज़्यादा शॉपोहोलिक है, आप या वो? मैं नहीं हूँ इसलिए इधर मत देखो। देखकर पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे, मुझे भी नहीं पता, पर इधर देखकर सबको पसंद आया है, पर मैंने जो जो खरीदा है सबको बहुत तारीफ किया। मैंने देखा आप लोग मेरी इतनी तारीफ नहीं करते हो जितना आपने राज की चीजों की तारीफ की है। मेरे में तो खरीदा सब कुछ ना। वो भी बात है, राइट राइट। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।